तेघरा थाना अंतर्गत चकधो बिनलपुर बांध पर ट्रैक्टर की चपेट में आने से नाबालिग हुआ दुर्घटनाग्रस्त, इलाज के दौरान हुई मौत, परिजनों ने मुआवजे को लेकर किया सड़क जाम। विदित हो कि सड़क दुर्घटना का तस्वीर अपने आप में काफ़ी हृदय विदारक होता है, निर्मम करने वाला होता है। खबर तेघरा थाना अंतर्गत तीनमुहानी राष्ट्रीय राजमार्ग 28 की है, जहाँ गुरुवार की सुबह में 6 बजे के करीब स्थानीय लोगों ने एक नाबालिग के शव को रखकर सड़क जाम कर दिया। इस पूरे प्रकरण की जानकारी देते हुए परिजनों ने बताया कि पिछले दिनों बुधवार को दिन में चकुधो बिनलपुर बांध पर घर के करीब ही खेलने के दौरान एक नाबालिग जो दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। हालांकि इस पूरे प्रकरण में जो पीड़ित लोग हैं, इन लोगों ने बताया कि उस ट्रैक्टर के ड्राइवर को परिजनों ने पहले पकड़ लिया था और उसे बाकायदा छुपा कर रखा, फिर बाद में पुलिस आई और उस ड्राइवर को सकुशल बरामद किया। पुलिस अग्रतर कार्रवाई में जुट गई है। वहीं ज्यों ही उक्त नाबालिग की मौत हुई है, उसके बाद परिजनों ने उसके शव को लेकर के और तीनमुहानी चौक के करीब पहुंचकर सबको बीच सड़क पर रखकर प्रदर्शन करना शुरू किया है, जिसके कारण सड़क के दोनों तरफ गाड़ियों की काफ़ी लंबी कतार खड़ी हो गई है। इसको लेकर जो स्थानीय लोग हैं वह काफ़ी आक्रोशित हैं। लोगों ने कहा कि एक तरफ जहां मेरे घर के जो एक नाबालिग है वह दुर्घटनाग्रस्त हुआ और पुलिस ने हम लोग के साथ ही दुर्व्यवहार भी किया था, ऐसा आरोप परिजनों ने लगाया है। हालांकि इस पूरे प्रकरण के बाद क्षेत्र में काफ़ी तनाव का माहौल है। सुबह का समय है, दुर्गा पूजा का समय है, गाड़ियों की लंबी कतार खड़ी है, लोगों को आने जाने में काफी फजीहत हो रही है, दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसको लेकर परिजनों ने क्या कुछ कहा, आइए आपको भी सुनवाते हैं। 3 बजे लगभग सड़क चल जाए रहे, हम बचपा 500 खेले रहे, धक्का मारने से केना धक्का मारने, ये बच्चा रोज खेले रहे, वो जे रहे जेदे रोटे पर घोड़े से जेदे से वो ये सब रादे कर रहे धक्का मारने। कहां पर मैं बिनलपुर तकरबाद किए बिनलपुर अंदर बोर्ड की होलै तकर बाद हे वाले के लिए हॉस्पिटल फलना से राजर गाय के थाना से चले पर के लाओ फलना चिलना नहीं देगा दिया, मारपीट भी किया है, मारपीट भी मारा पीटा और अब क्या पीटा है, किसको मारा पीटा है, ड्राइवर को क्या, हम लोग को सर, हम लोग को पुलिस वाले ने मारा है रात में और जबरदस्ती ले गया, तीन होला सर, दुनिया से कहता हुआ था सर, वो रोड था ना वहाँ पे बिनलपुर है, वहाँ एक जगह है, वहाँ पर बच्चे लोग खेल रहा था, एक है जो टॉयलेट साफ करता है ना, वो गाड़ी आया और वो चढ़ेले चला गया, वो गाड़ी वाला भाग गया, पकड़ा, यानी कि कुछ देर बाद उनको हम लोग बाइक से गए तो उसको पकड़ के लाए चुपचाप घर पे रख दिया, आराम से उसको कुछ नहीं किया, ना मारे ना गड़िया, बस ऐसे ही रख दिए उसको, तो पता फिर उसके बाद क्या हुआ, बच्चे को हॉस्पिटल ले गए, वहाँ से कुछ खबर आया कि अभी वो नहीं रहा, उसके बाद क्या हुआ, हम वो जो ड्राइवर थे ना उसको हम खाना वाना खिला दिया, उसके बाद क्या हुआ कि जब वो लोग इधर से आए तो बच्चा तो ख़त्म हो ही गया, हाँ जो बच्चा आया था इधर वो तो ख़त्म हो ही गया, और उसके बाद क्या हुआ, प्रशासन लोग आए और वो लोग ने वो ड्राइवर को ढूंढने लगा, तो हम लोग उसको वहीं पर रखे थे और नहीं बता रहे थे ताकि हमारा भी तो कुछ हो तब ना हम उसको छोड़ेंगे, ऐसे ही छोड़ देंगे, कोई नियम थोड़ा ना होता है। उसके बाद क्या हुआ, वो प्रशासन जो थे वो सबको, जैसे कि रोड पे हम बाहर निकले, सबको पकड़ पकड़ के मार रहा था और गाड़ी में कस रहा था ताकि वो ड्राइवर हमें दे दे, मजबूरन में हमको देना पड़ा। बस बच्चा का क्या नाम है, बच्चा का नाम तो राजगीर है। अभी जो रोड जाम किए हैं क्या मांग है, ताकि हमें कुछ मिले उसका मुआवजा और उसका सजा भी मिले, वो ऐसा ना करे। पुलिस अभी तक नहीं आई, अभी तक नहीं आया पुलिस, अब रात में बताओ सबको मार पीट के गया पुलिस वाले ही लोग। क्या नाम है, धर्मेंद्र कुमार है।